गांव पानसरा के राजकीय उच्च विद्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय दहिया उप सिविल सर्जन उपस्थित थे। जब मरीज की हालत खराब होती है उसके परिवार वाले
परिवार वालों के विश्वास को जब तक भगवान की आज की दौर में धरती तब तक उनके विश्वास को कायम रखता है। तो आप खुश रहेंगे, आप लोगों के पास रहेंगे सदन की कार्य के लिए, क्योंकि ये भी संस्था हो प्राणी को बचाने का, इंसान को बचाने का, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी मैं डॉक्टर का जन स्पेशल धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ कि वो समाज ही बहुत है, समाज कार्य सामाजिक कार्यों के अंदर उनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब के पास कोई भी सामाजिक कार्य के लिए जाता है तो डॉक्टर को कोई मना नहीं करता है। तो मैं डॉक्टर साहब का सामाजिक होने पर और इतना तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है इतना आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो है एक समाज सेवक की भांति बड़ा काम कर रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। आप प्यारे बच्चों, हमारे देश को आजाद हुए 65 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब भी छोटे बैठे सबको दो मिनटों दौड़ने में नहीं बैठे लोग देखो। हमारे देश को 65 साल आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनको 65 साल से खत्म करने में लगे हुए हैं, जो आज भी छोटी तो है। भ्रूण हत्या बंद करो, एक बेटी पैदा करो, अगर दो भी बेटी पैदा होगी तो बेटी बेटे के समान है। आज हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, हमारी बेटियां इंजीनियर हैं, हमारी बेटियां आज आई एस अफसर बनने की कामयाब रखती है, IPS बनने की कामयाब रखती है। तो ऐसी बात नहीं कि बेटी के अंदर भविष्य नहीं है। सभी गणमान्य व्यक्ति माताओं और बहनों, आज अपनी ओर से और अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर को आप सबको बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता के कारण ही आज हमारे देश के प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल है, 1 किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल है और 3 किलोमीटर की दूरी पर हाई एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है। गांव गांव में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में सभी बच्चों को मुफ्त वर्दी दी जाती है, मुफ्त किताबें दी जाती हैं, स्टेशनरी दी जाती है और टैलेंट के आधार पर प्रत्येक बच्चे को हर माह वजीफा दिया जाता है। ये सब हमारी स्वतंत्रता के कारण ही है कि आज प्रत्येक बच्चे को सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। हरियाणा सरकार द्वारा विद्यालय प्रबंधक विकास हो सके, विद्यालय में हर प्रकार की तरक्की हो सके। आज प्रत्येक बच्चे को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा है उसको शिक्षा का विकास प्राप्त करने का हरियाणा सरकार ने विद्यालयों में स्कूल प्रबंधक समितियों का गठन किया है। विद्यालय प्रबंधक समितियाँ नहीं जाते 6-14 वर्ष तक के बच्चे, उनको विद्यालयों में भेजा जाए ताकि उनकी पढ़ाई हो सके, कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो सके। हमारे विद्यालय की सुविधा बढ़ाई है और अपने कीमती समय में से अपना समय दिया है। डॉक्टर के पास जो समय की उसने अपना कीमती समय दिया और हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं अपने तरफ से और अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। जय हो। श्री राजवीर शर्मा जी जो मुख्य अध्यापक है स्कूल के, श्री बरखाराम जी प्रधान SMGC, श्री राम कुमार जी प्रधान SMC, श्री राजीव कुमार जी पूर्व सरपंच, श्री ज्योति राम जी मेहरचंद जी जो वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, श्री सुभाष चंद्र जी, स्कूल के जो स्टाफ मेंबर हैं, गांव के सभी गणमान्य जो सम्मानित बुजुर्ग हैं, माताओं बहनों साथियों और प्यारे बच्चों, तहदिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इस खूबसूरत मौके पर आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। हमारा जो 70% हिंदुस्तान है वो गांव में बसता है और गांव में आज प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ एक जो
जरूरत है जो उन बच्चों को एक अवसर प्रदान करने की। ये जो स्वतंत्रता दिवस का दिवस हम जो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक मानसिकता है कि आजादी का मतलब क्या है। आजादी का मतलब सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो कभी गुलाम रहे हैं। अपने ही देश में कुछ ऐसी सड़कें थी जहां हिंदुस्तानी नहीं जा सकते थे, ट्रेन से हिंदुस्तानियों को उतार दिया जाता था कि आप दूसरे दर्जे के सिटी जब आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी बहुत कम रह गए हैं आज के डेट में, लेकिन उनके जीवन से हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दें कि अगर हम, और ये देश शुरू से ये देश गुलाम नहीं था, हम लोगों की ही कुछ हरकतों की वजह से ये देश गुलाम हो गया था। हम आपस में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, राज्य और प्रदेश और देश के नाम पर लड़ते रहे और धीरे धीरे दूसरे देश ने आकर हमारे देश पर कब्जा कर दिया। हालात धीरे धीरे आज भी वही हो सकती है। तो ये जो पर्व मनाने का महत्व है वो इसीलिए है कि हम उस चीज को समझें कि आज हर देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी प्रांत का है, एक समान अधिकार है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आज हम अपने देश की सरकार के विरुद्ध जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर नारे लगा सकते हैं। क्या इसकी कल्पना अंग्रेजी शासन में कर सकते थे? ऐसी बात सोचने वालों को भी हंटर से पिटाई हो जाती थी। तो हमें उन शहीदों को आज याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम इस खुले हवा में सांस ले रहे हैं। इंसान तो धूल की चीज है, अगर किसी पक्षी या चिड़िया को भी थोड़ी देर के लिए पिंजरे में बंद कर दो तो वो छटपटाने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस आजादी के महत्व को समझे। तो ये बहुत आराम से मिली हुई चीज नहीं है, इसके लिए भी पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान की है। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जान दे देना कहना बहुत आसान बात है, लेकिन जान देना बहुत मुश्किल बात है। किसी देश के लिए और किसी चीज के लिए जान देना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो पर्व है हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, हम उन शहीदों की याद में भी मनाते हैं जिन्होंने हमें आज आजादी से बैठने का मौका दिया और हम स्वतंत्र देश की रंग में आज खुले हवा में सांस ले रहे हैं। मैं जो हमारे अभी सरपंच साहब ने अपना प्रकाराम जी ने बहुत पहले अपने विचार रखे, कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया। एक बात कही उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या की और दूसरी कही करप्शन की, या जो हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो अगर हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो कहीं ना कहीं एक महिला जरूर जिम्मेदार है। अगर कन्या किसी महिला की बच्ची की हत्या हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक महिला, चाहे वो माँ है, नानी है, दादी है, वो जरूर जिम्मेदार है, शामिल है। अगर महिलाएं ये प्रण ले लें कि हम कन्या की हत्या नहीं होने देंगे तो भ्रूण हत्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कही भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ये भ्रष्ट आचरण है कि यदि हम रिश्वत देंगे तो दूसरा रिश्वत लेगा। जिम्मेदारी तो दूसरे की भी है, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल हैं। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये प्रण ले लें कि ना तो हम कन्या भ्रूण हत्या होने देंगे, ना हम किसी भ्रष्ट आचरण में शामिल होंगे, हम में से ही कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे जैसे प्रखाराम जी ने कहा, हम में से कुछ इंजीनियर बनेंगे, हम में से आईएएस ऑफिसर बनेंगे और नेता बनेंगे। अगर वो आज प्रण ले लें कि मैं जिंदगी में ना कभी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, ना कुछ आचरण करूंगा, तो भ्रष्टाचार स्वयं खत्म हो जाएगा। दूसरी बात मुखिया अध्यापक जी ने कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जो हो कुछ बात बताएं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप यदि दुनिया में सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो सुख है निरोगी काया। जैसे कहा गया ना कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है गांठ में माया। धन संपत्ति का उपयोग भी वही लोग कर सकते हैं जिन जो स्वस्थ हो, बीमार आदमी किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकता। तो सरकार ने बहुत एक तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया है, उसमें पहले पांचवी तक के बच्चों का था और अब हमने हायर सेकेंडरी स्कूल तक कर दिया। सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मुफ्त है, बिल्कुल निःशुल्क है। उसमें खासतौर पर जो गाँव में हमने देखा है खून की कमी है बच्चों में बहुत ज्यादा पहुंचता है। हमारे यहाँ भी हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ की पर कैपिटा इनकम जहाँ बहुत ज्यादा है। अगर हम गरीबी और भुखमरी की बात करें तो कई ऐसी बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसी है जहाँ दूर दूर तक कोई साधन नहीं है। और अगर हम खून की कमी की बात करें तो हम उन लोगों के बराबर हैं। खून की कमी हमारे बच्चों में उतनी है जितनी बिहार के और उत्तर प्रदेश के बच्चों में है। इसका सिर्फ एक कारण ये है कि हम लोग जो है स्वास्थ्य वर्धक चीजों का सेवन नहीं करते। गाँव में जो पालक है वो बहुत होता है, मिलता है, हरी सब्जियाँ मिलती है, लेकिन हम दाल खाते हैं। शहर वाले गाँव से लेकर पालक खाते हैं।
यदि हम अपना खान पान ही ठीक रख लें तो 70% बीमारियों से तो दूर रह सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरीके की समय समय पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो जांच कैंप लगाता रहता है और जिन बच्चों को किसी तरीके की बीमारी होती है उसको पीजीआई तक का जो इलाज है वो सरकार ने मुफ्त किया हुआ है। ये अभी अगले महीने से बिल्कुल पॉलिसी एनफोर्स हो जाएगी, आ जाएगी आप लोगों के बीच में। मैं सहयोग चाहूँगा मुख्य अध्यापक साहब का भी इस मामले में, इनका पूरा देंगे कि खासतौर पर खून की कमी के बारे में और बाकी भी पूरी बीमारियों के बारे में स्वास्थ्य विभाग पूरा सचेत है। आज जो है बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा समय है उन बच्चों के लिए जो आज के समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर इसको 15-20 साल पहले ले तो इस तरीके के स्कूल गाँव में नहीं थे। 5वीं के बाद बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, बहुत दूर जाकर उनको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। आज तो हर गांव में अच्छे स्कूल हैं और परशुराम जी जैसे हमारे समाज सुधारक हैं जो आपको गांव के लेवल पे ही सभी सुविधाएं मुहैया करने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं और आपके घर द्वार तक न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं सुने और ये बात मानकर चलिए कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही टेंटों पर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की और देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। सिर्फ सोच जरूरी ये है कि आप अपनी सोच ऊंची रखिए, आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए, फिर उसको पहुंच तक आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं पूरे एक बार धन्यवाद करता हूँ जो कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी है उनका, सभी प्राध्यापक का और अपने जो हमारे सोशल वर्कर यहाँ पर जो दिखा के उन्होंने अपने बीच जाकर मुझे मौका मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कोपरी चिकित्सा जिला अधिकारी जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे विद्यालय को दिया, उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ शरीर होगा तो फिर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, तभी हम अपनी विद्या उपार्जन कर पाएंगे।